हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर क्यूब के बारे में जानेंगे। सर्कुलर क्यूब क्या होता है? इसके पिछले वीडियो में हम लोग सिंपल क्यूब के बारे में देखा था। सिंपल क्यूब किस तरीका से काम करता है, क्या फीफो टेक्निक क्या होता है, क्या रियर होता है, क्या फ्रंट होता है। तो सिंपल क्यूब को आपको इस वीडियो को समझने के लिए सर्कुलर क्यूब को समझने के लिए आपको सिंपल क्यूब का वीडियो अच्छे से समझ जाइएगा। सिंपल क्यूब पे ही बेस्ड है सर्कुलर क्यूब, इसमें कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन नया है। सिंपल क्यूब में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सर्कुलर क्यूब का कंसेप्ट आया था। सो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल वॉच माई प्रीवियस वीडियो फॉर सिंपल क्यूब टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। देन लेट्स स्टार्ट। टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर क्यूब फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ सिंपल क्यूब। हम लोग को यहाँ पे लिमिटेशन सिंपल क्यूब करना जरूरी होगा कि सिंपल क्यूब में प्रॉब्लम क्या था। जब तक हम लोग उस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग को सर्कुलर क्यूब का मेन आइडिया मेन थीम के बारे में पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है उसी का सोल्यूशन है सर्कुलर क्यूब। ओके, देन आपको यहाँ पे पता है कि अगर हम लोग एरे के थ्रू क्यूब को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग को एक एरे लेना पड़ेगा। एरे एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसका साइज ना हम लोग बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एरे लिए हैं 5 एलिमेंट का, और हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक रियर और एक फ्रंट। रियर और फ्रंट एक वेरिएबल चाहिए, और दोनों को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे -1 से इनिशियली। आपको पता होना चाहिए -1 से क्यों इनिशियलाइज करते हैं। अगर नहीं पता है तो प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑफ सिंपल क्यूब। रियर इज दैट एंड ऑफ द क्यूब वेयर डेटा इज इंसर्टेड, and front is that end of the queue where data is deleted, because queue is work on FIFO technique, first in first out। मतलब जो data सबसे पहले आप insert करोगे वो data सबसे पहले ही delete होगा। That is the main theme। FIFO is the main theme of circular, main theme of queue। Okay, then here is the queue of 5 element, here is the two variable, both are initialized by -1। देन हेयर किचन पीटी, मतलब आवर फर्स्ट क्यू। अगर इस बात करें तो यहाँ पे मेरा ये जो क्यू है ये मेरा इम्पीटी है, और रियर और फ्रंट दोनों -1 पे है। क्यू मेरा यहाँ पे इम्पीटी है। हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं 12, 15, 28, 65। यहाँ पे इंसर्ट किया 0 एलिमेंट पे हमने इंसर्ट किया 12, यहाँ पे इंसर्ट किया 1 पे हमने 15, देन 28, देन हमने 65 इंसर्ट किया थर्ड पे। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा रियर पहुंच चुका है थर्ड पोजीशन पे, इट इज द रियर पोजीशन, एंड फ्रंट पोजीशन मेरा 0 होगा। मतलब यहाँ पे रियर इज टू द थर्ड पोजीशन और फ्रंट इज सेट टू द 0 पोजीशन। ओके, देन अब यहाँ पे एक स्पेस मेरा और बचा हुआ है क्यू में, इज द एलिमेंट नंबर 4, जहाँ पे हम एक डेटा इंसर्ट कर सकते हैं अभी भी। यहाँ पे 1 एम्प्टी स्पेस इन द क्यू, सो वी कैन इंसर्ट न्यू डेटा। हम लोग यहाँ पे 55 इंसर्ट कर रहे हैं, हम लोग 55 इंसर्ट करेंगे तो अब मेरा रियर बढ़कर 3 से 4 पे चला जाएगा, और देन फ्रंट अभी भी 0 रहेगा, क्योंकि हमने अभी तक आगे से कोई डेटा डिलीट नहीं किया है। यहाँ पे अगर देखे तो रियर मेरा 4 पे है और फ्रंट मेरा अभी भी 0 पे है। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे रियर इज सेट टू 4 एंड फ्रंट इज सेट टू 0। प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियो इफ any dot in the queue, otherwise it is not clear। okay, then यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अब मेरा यहाँ पे queue is full हो गया, मतलब queue आपका यहाँ पे queue is full। यहाँ पे अगर बात करें तो हम लोग के पास अब क्यू में कोई जगह नहीं है डेटा इंसर्ट करने का, क्योंकि फ्रंट 0 पे है और रियर 4 पे है, फ्रंट इस पोजिशन पे, रियर। अब यहाँ पे हम लोग डेटा को, अगर हम लोग को इंसर्ट करना है तो वी हैव टू डिलीट द डेटा फ्रॉम द क्यू। तो हम लोग यहाँ से डिलीट टू डेटा फ्रॉम द क्यू। अब वो पता है डेटा डिलीशन के लिए हम चॉइस नहीं ले सकते, जब भी डेटा डिलीट होगा तो फ्रंट का ही डेटा डिलीट होगा। मतलब जब भी होगा तो सबसे पहले 12 होगा, क्योंकि मेरा फ्रंट 0 पे है, और देन आफ्टर 15 होगा। ओके, देन यहाँ पे हम डिलीट किए 12 को, देन हम डिलीट किए 15 को, देन यहाँ पे दिखेगा कि फ्रंट अब 2 पे पहुंच जाएगा और रियर अभी भी 4 पे रहेगा। देन यहाँ सेट हो गया फ्रंट इक्वल टू 2 और रियर इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे ऑल राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि मेरे क्यू में आगे से जो जगह खाली है, एलिमेंट नंबर 0, एलिमेंट नंबर 1 मेरा खाली है,
और अगर हम इसमें यहां पे देख रहे हैं, अगर हम इसमें डेटा इंसर्ट करना चाहे तो सिंपल क्यू कहेगा कि डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएंगे हम, क्यों? क्योंकि मेरा रियर का पोजीशन 4 पे है जो कि साइज माइनस 1 है, अब जगह नहीं है। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि आगे से 2 जगह खाली है इसमें, ओके? इसीलिए हमने यहां पे लिखा है कि वॉन्ट टू इंसर्ट डेटा इन द क्यू बिकॉज देयर आर एम्प्टी स्पेस, बट दिस क्यू नॉट अलाउ फॉर इंसर्टिंग डेटा बिकॉज रियर इज एट साइज माइनस 1 पोजिशन, ओके? बट देयर इज एन एम्प्टी स्पेस फ्रॉम फ्रंट साइड, दैट इज एलिमेंट नंबर 0 एंड एलिमेंट नंबर 1 इज एम्प्टी। इट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ सिंपल क्यू। यस, मेन ड्रॉबैक हुआ सिंपल क्यू का, मतलब कि अगर आगे से कोई जगह खाली भी हो और रियर अगर लास्ट साइज माइनस 1 पे हो तो सिंपल क्यू कभी भी डेटा इंसर्ट करने नहीं देता है। गौर से सुनिएगा, अगर यहाँ पे 78 और 68 भी डिलीट अगर हम कर देते और रियर मेरा 4 पे रहता और आगे से मेरा 4 जगह खाली होता, 0, 1, 2, 3 एलिमेंट खाली होता, तो भी मेरा सिंपल क्यू डेटा इंसर्ट नहीं होता और आपका आगे का 4 जगह वेस्ट होते रहता। इट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ सिंपल क्यू। अब इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लोग के पास दो मेथड है, ओके? जिसमें से एक मेथड सर्कुलर क्यू है, लेकिन उससे भी पहले एक मेथड है शिफ्टिंग प्रोसेस, शिफ्टिंग मेथड, वो भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ सिंपल क्यू, सिंपल क्यू का प्रॉब्लम हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए, वी हैव टू मेथड, ओके? देन पहला मेथड है शिफ्टिंग मेथड, दूसरा सर्कुलर क्यू मेथड। ये दोनों मेथड यूज करके हम लोग सिंपल क्यू का प्रॉब्लम हम लोग दूर कर सकते हैं। पता होना चाहिए सिंपल क्यू का प्रॉब्लम क्या है, कि रियर अगर साइज माइनस 1 पे है तो कभी भी वो डेटा इंसर्ट करने नहीं देता है, चाहे आगे से उसमें एलिमेंट खाली हो तो भी, फ्रंट मेरा 0 पे ना हो तो भी, मतलब आगे से एलिमेंट खाली हो तो भी वो डेटा इंसर्ट करने नहीं देता, अलाउ नहीं करता है। देन बात करते हैं शिफ्टिंग। ये बहुत सिंपल तरीका है, ये जनरल लाइफ का तरीका है। जनरल लाइफ में हम लोग कैसे होता है ना कि लाइन में लगे रहते हैं हम लोग, ये क्यू में है, आगे से किसी को टिकट मिला देन निकल गया, तो बाकी का पीछे वाला लोग आगे करके शिफ्ट कर जाते हैं, जिससे क्या होता है ना कि पीछे से जगह खाली हो जाता है और पीछे से लोग इंसर्ट होने लगते हैं। इज द शिफ्टिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यू है जिसमें सारा डेटा मेरा इंसर्टेड है, 12, 15, 78, 68, 55, सो डेट रियर इज सेट टू द 4 एंड फ्रंट इज सेट टू 0, मतलब इस क्यू में अब कोई जगह खाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ओके? देख यहाँ पे कोई जगह खाली यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से हम 12 को डिलीट किए यहाँ पे, समझे? मतलब आगे से एक डेटा को हमने हटा दिया। जब आगे से एक डेटा हटा मेरा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, आगे से जब यहाँ पे डेटा हटा तो रेस्ट ऑफ द डेटा जो है इक्का करके शिफ्ट होगा। 15 शिफ्ट हुआ, देन 78 शिफ्ट हुआ, देन 68 शिफ्ट हुआ, देन 55 शिफ्ट हुआ, जिससे क्या हुआ कि लास्ट में एक एलिमेंट खाली हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा कि रियर का वैल्यू 1 से घट जाएगा। यहाँ पे रियर कितना हो गया? 3 पे, क्योंकि रियर वाला डेटा घसक कर 3 पे आ गया है, ओके? 3 पे आ गया है। और देन फ्रंट अभी भी कितना है? 0 पे। यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमेशा जब जब भी शिफ्टिंग प्रोसेस कीजिएगा तो फ्रंट हमेशा 0 पे ही होगा, क्योंकि जैसे ही आगे से डेटा हम लोग डिलीट करते हैं तो रेस्ट ऑफ द डेटा शिफ्ट हो जाता है 1, ओके? यहाँ पे फिर अगर हम लोग 15 को डिलीट हमने किया, देन देखिएगा 78 0 पोजिशन पे आएगा, 68 1 पोजिशन पे आएगा, देन 2 पे आएंगे 55, देन यहाँ पे रियर फिर से घटेगा, 2 पे जाएगा, फ्रंट हमेशा कितने पे है? 0 पे। यहाँ पे आप समझ में आ रहा होगा शिफ्टिंग प्रोसेस क्या होता है। इस तरीका से अब हम पीछे से पीछे दो डेटा हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे से दो डेटा डिलीट हुआ तो पीछे रेस्ट ऑफ डेटा मेरा आगे बढ़ चुका है और पीछे से दो एलिमेंट खाली हो गया है। देन यहाँ पे हम लोग 44 इंसर्ट किए, 37 इंसर्ट किए, देन यहाँ पे रियर 4, फ्रंट कितना हुआ? 0। समझ रहे होंगे आप लोग यहाँ पे कि फ्रंट मेरा फिर 0 है, फ्रंट ऑलवेज 0 पे रहेगा, और रियर कितना हुआ? रियर बढ़ा यहाँ पे, पहले बार 44 के लिए, देन 37 के लिए रियर 4 पे, यहाँ पे फिर से क्यों मेरा फुल हो गया, यहाँ पे समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है शिफ्टिंग मेथड का? शिफ्टिंग मेथड का मेन ड्रॉबैक क्या हुआ कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आपके पास बड़ा क्यू होगा तो आपको इसको एक एक एम्प्टी स्पेस करने के लिए आपको मोस्ट ऑफ द डेटा को इक्का करके शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि आपका 100 एलिमेंट का क्यू है और आगे से एक डेटा डिलीट हुआ है, तो 99 एलिमेंट,
सुनिएगा, 99 एलिमेंट को इक्का करके शिफ्ट करेगा तब जाकर एक डेटा के लिए पीछे से जगह खाली होगा। सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द लॉन्ग क्यू, यहाँ पे छोटा मोटा क्यू के लिए चलता है लेकिन ये सुटेबल नहीं है। सुटेबल आपका इसका सोल्यूशन क्या है? सर्कुलर क्यू, सिंपल क्यू का मेन जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन है? सर्कुलर क्यू। ये वर्क कैसे करता है सर्कुलर क्यू, ध्यान से समझिएगा, बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन बहुत इजी तरीका से हम समझाने की कोशिश किए यहाँ पे कि सर्कुलर क्यू काम कैसे करता है। यहाँ पे समझिए चीज को, यहाँ पे इस तरह से हमने क्यू लिया है, यहाँ पे एक चीज को समझिएगा, यहाँ पे देयर इज द एलिमेंट नंबर 0, देन एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट नंबर 4। मतलब यहाँ पे वही एरे को हम सिर्फ सर्कुलर दिखाए, यहाँ से स्टार्ट करके सिंपल वही जो एरे है उसी चीज को हमने यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा तो एलिमेंट नंबर 0 पे भी डेटा है और एलिमेंट नंबर 4 पे भी डेटा है। इसका मतलब है कि रियर 4 पे है और फ्रंट 0 पे है, क्योंकि अभी कोई डेटा डिलीट नहीं हुआ। दैट इज द रियर इक्वल टू 4 एंड फ्रंट इक्वल टू 0। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यू इज फुल बिकॉज रियर इज सेट टू द 4 एंड फ्रंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे समझ आ रहा? देन अब हमने यहाँ पे 78 को डिलीट किया, मतलब कि फ्रंट से हमने डिलीट किया, 0 फ्रंट मेरा 0 पे है, 78 वहां से हटा। इस केस में फिर यहाँ पे हम 68 को भी डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे समझे, यहाँ पे मतलब 0 एलिमेंट को 1 एलिमेंट को हम डिलीट करती है। तो आप सिंपल क्यू की तरह समझिएगा यहाँ पे कि जब आपका फ्रंट से दो डेटा हटेगा तो फ्रंट ऑफ कॉस एक से बढ़ेगा, तो यहाँ पे दो डेटा डिलीट हुआ तो फ्रंट का वैल्यू एक पहुंच जाएगा 2 पे डायरेक्टली। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट मेरा रियर 4 पे है और फ्रंट मेरा कितना सेट हो गया, तो मतलब फ्रंट ये डेटा है, मतलब अगले बार डिलीट करेंगे तो 55 डिलीट होगा क्योंकि एलिमेंट नंबर 2 और रियर मेरा अभी भी 4 पे है, समझ रहे हैं। अब डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रंट मीन्स एलिमेंट नंबर 2, हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं फ्रंट को, तो फ्रंट मेरा कितने पे है? फ्रंट मेरा 2 पे है। अब यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे, 55 को हमको डिलीट करना पड़ेगा, 55 मेरा डिलीट हो गया डेटा। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रंट मेरा फिर से 3 पे है और रियर 4 पे है, मतलब अब फ्रंट ये बच गया, मतलब अब क्यू में मेरा 2 डेटा इंसर्टेड है। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट 90 इन द क्यू। अब देखिए यहाँ पे, यही अगर सिंपल क्यू होता ना तो इंसर्ट करने नहीं देता क्योंकि रियर मेरा कितने पे है? 4 पे। लेकिन सर्कुलर क्यू का कहेगा कि इस केस में जैसे ही रियर साइज माइनस 1 पे पहुंचता है तो उसको फिर से सेट कर देता है 0 पे। यानी द सर्कुलर मतलब फिर से कि इस एम्प्टी स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए। ओके, तो अब जो मेरा 90 जो इंसर्ट होगा वो एलिमेंट नंबर 0 पे इंसर्ट होगा, यहां पे इंसर्ट होगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देन यहाँ पे जब 90 इंसर्ट हुआ, देन आप यहाँ पे देख सकते क्या है कि अब के केस में मेरा रियर सेट हो गया कहाँ? 0 पे, और फ्रंट अभी भी 3 है यहाँ पे 4। मतलब कि अगर डिलीट होगा तो 90 नहीं, अब ऐसा मत समझिएगा कि 0 पे आ जाने के बाद 90 आगे आ गया है, जी नहीं, अभी भी फ्रंट 3, फ्रंट पे वैल्यू 3 है, तो फ्रंट डिलीट होगा तो अभी भी 44 ही डिलीट होगा। यहाँ पे हम इंसर्ट 11 इंसर्ट करते हैं, देन इंसर्ट होगा 1 पे, एलिमेंट नंबर 1 पे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब रियर मेरा 1 पे गया और देन यहाँ पे फ्रंट मेरा अभी भी 3 पे। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ से 0 से लेकर 4 तक मेरा चला रियर, और फिर जैसे ही 4 पे पहुंच गया था रियर, वहां पे फिर से रियर कितना पे हो गया? 0 पे, और फिर कितना पड़ा बढ़ रहा? 1 पे गया। दैट इज द सर्कुलर, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ गया था, अगर ये जगह खाली हुआ फिर से यहाँ इंसर्ट किया और फिर से इस तरीका से बढ़ रहा है। ओके, देन हम लोग यहाँ पे डिलीट फ्रंट, मतलब अब हम डिलीट करेंगे तो कभी भी हमने समझिएगा कि डिलीट अब 90 और 11 होने वाला है, क्योंकि फ्रंट में जो फ्रंट का जितना वैल्यू वही डिलीट होगा, फ्रंट पे कितना है? 3, तो एलिमेंट नंबर कितना डिलीट होगा? 44, मतलब डेडी नॉट देन डेडी द वैल्यू, एलिमेंट नंबर 3, 44 डिलीट होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 44 यहाँ से मेरा डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्रंट मेरा कितना पे जाएगा? 4 पे, और रियर अभी भी कितना पे है? 1 पे। ओके, समय आ रहा होगा, रियर इज इक्वल टू 4 एंड फ्रंट इज इक्वल टू 4, रियर इक्वल टू 1। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने किया इंसर्ट 22 इन द क्यू। अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो इंसर्ट 22 कहाँ होना चाहिए? तो वो एलिमेंट नंबर 2 पे होगा, क्योंकि रियर 1 पे था अभी और रियर 1 से बढ़ेगा इंसर्शन के दौरान, तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? 2 पे जाएगा। तो यहाँ पे 22 2 एलिमेंट पे गया, इस केस में मेरा
एरिया टू पे है, फ्रंट कितने पे है, फोर पे। अब यहाँ पे डिलीट फ्रंट, डिलीट कितना है फ्रंट, यहाँ पे समझिए चीज को कि हमने फ्रंट को डिलीट किया, फ्रंट कितने पे है, फोर पे। अब मान लीजिए कि अगर ये 437 डिलीट हो जाएगा तो अब अपकॉस फिर से फ्रंट भी सर्कुलर ऑर्डर में मूव करेगा, तो देन अपकॉस अगला फ्रंट कौन बन जाएगा, जीरो। तो इस केस में 37 को हम डिलीट करने के बाद, मतलब कि एलिमेंट नंबर फोर को डिलीट करने के बाद, हम फ्रंट को सेट कर देंगे फिर से जीरो पे, रियर के जैसा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे फ्रंट इक्वल टू जीरो, रियर इक्वल टू टू, देन यहाँ पे डिलीट फ्रंट मीन्स एलिमेंट नंबर जीरो। अब देख रहे हैं, अब फिर से फ्रंट मूव हुआ, अब 90 का बारी आ गया उसको डिलीट होने का यहाँ पे। तो फिर से अब देखिएगा, तो यहाँ पे 90 डिलीट होगा और देन यहाँ पे 90 रिमूव हुआ और देन फ्रंट आपका आ गया, बन गया कौन, एलिमेंट नंबर वन, एंड रियर अभी भी टू पे है। ओके, देन इट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर क्यूब। आपको अच्छे से समझना है, वीडियो मेरा अच्छे से बार बार देखिए, बहुत अच्छे से सिंपल तरीका से हम समझाने की कोशिश किए हैं सर्कुलर क्यू को। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, फिर उसी चीज को हम लोग फिर से एक और तरीका लिए हैं। बस यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले मेरे पास क्यू एक इम्पीटी है, इज द रियर इक्वल टू माइनस वन एंड फ्रंट इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे क्यू इज इम्पीटी ऐसा शो कर रहा है। देन यहाँ पे हमने इंसर्ट किया 25, पहला डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। इस केस में मेरा आपके पास रियर सेट होगा जीरो पे, फ्रंट भी सेट होगा जीरो पे। देन हमने इंसर्ट किया 30, 34, 67, 99। इस केस में आप देख सकते हो रियर फोर पे, फ्रंट मेरा कितने पे, जीरो पे। समझेगा इस केस में क्या हुआ, अब यहाँ पे क्यू में कोई जगह खाली नहीं है। इस केस में एट दिस प्लेस सर्कुलर क्यू इज फुल, इस जगह पे सर्कुलर क्यू क्या हो गया, फुल हो गया। कब, जब फ्रंट जीरो पे है और रियर फोर पे। ऑफ कोर्स क्योंकि अब इधर से कोई जगह ही नहीं बचा हुआ है, क्योंकि फ्रंट वाला डेटा आपने डिलीट नहीं किया, एक डेटा भी डिलीट कर दिए होते तो ऑफ कोर्स फ्रंट वन पे होता, तो आगे से आपने डेटा कोई डिलीट अभी किया नहीं है। देन अब यहाँ पे हमने डिलीट डेटा फ्रॉम द क्यू, हमने यहाँ से डिलीट किया फ्रंट को, ऑफ कोर्स क्यू से है तो फ्रंट ही डिलीट होगा। देन यहाँ पे अब फ्रंट मेरा कितने पे आ गया है, वन पे, और रियर कितने पे आ गया है, फोर पे, मतलब अब डिलीट ये हो सकता। अब आगे से एक डेटा मेरा खाली हुआ, एक जगह मेरा खाली हुआ है, और सर्कुलर क्यू के हिसाब से अगर हम आगे का डेटा हम इंसर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स वो इंसर्ट होगा। लेकिन इंसर्ट हमने कितना किया, 100। ओके, इंसर्ट हमने कितना कर रहे हैं, 100। ऑफ कोर्स रियर सेट होगा जीरो पे, हुआ। देन यहाँ पे देखिएगा फिर से रियर यहां से घूमकर फिर से यहां आ गया। ओके, देन रियर इज सेट टू फ्रंट, अभी फ्रंट मेरा अभी इसको पॉइंट कर रहा है, रियर मेरा ये हो गया। देन अब हम डिलीट करेंगे तो आपको डिलीट टू डेटा फ्रॉम फ्रंट टू डेटा करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे 30 और 34 डिलीट होगा, क्योंकि ऑफकोर्स फ्रंट मेरा वन पे है तो वन पे 30 है, और फिर उसके बाद एक और डिलीट करेंगे तो फ्रंट ऑफकोर्स टू पे जाएगा, 34 डिलीट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपने वो डिलीट हुआ, 34 डिलीट हुआ, देन यहाँ पे फ्रंट आपका सेट हो गया इस जगह पे, मतलब थ्री पे, और ये अभी भी कितने पे है, जीरो पे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं 1189 को, तो ऑफ कोर्स रियर एक से बढ़ेगा, जो रियर अभी इस पोजीशन पे है जीरो पे है, तो ऑफ कोर्स 11 आएगा वन पे एंड 89 आएगा टू पे। यहाँ पे 11 आया, 89 आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं रियर इक्वल टू टू एंड फ्रंट इक्वल टू थ्री। ओके, देन अब यहाँ पे फिर से मेरा यहाँ पे क्या हुआ, दिस प्लेस सर्कुलर क्यू इज अगेन फुल, यहाँ पे सर्कुलर क्यू फिर से फुल हो गया। मतलब सर्कुलर क्यू दो सिचुएशन में फुल होता है, पहला सिचुएशन समझिएगा, अगर फ्रंट जीरो पे है और रियर साइज माइनस वन पे है। दूसरा, अगर यहाँ पे समझिए चीज को कि अगर फ्रंट इक्वल इक्वल टू रियर प्लस वन है, यहाँ पे हम क्लियर क्लियर कंडीशन लगा कर लिखे हैं, इफ रियर इक्वल इक्वल टू साइज माइनस वन एंड फ्रंट इक्वल इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा है तब क्यू फुल होगा, अदरवाइज फ्रंट इक्वल इक्वल टू रियर प्लस वन। आप यहां देख सकते हैं, यहां पे आप यहां पे अच्छे से देख सकते हैं क्या है कि फ्रंट मेरा कितना है, तीन है, तो तीन है फ्रंट और रियर में एक जोड़ेंगे उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तीन, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इस केस में आप देख रहे हैं कि क्यू मेरा क्या है, फुल है। ओके, तो सर्कुलर क्यू टू सिचुएशन होता है जहां पे सर्कुलर क्यू फुल हो जाता है। देन अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम डिलीट टू डेटा फ्रॉम द क्यू, हम टू डेटा डिलीट कर रहे हैं, तो अभी आपको फ्रंट कितने पे यहाँ पे दिख रहा था, थ्री पे, मतलब कि डिलीट होना चाहिए कौन, 67 ऑफ कोर्स हुआ, एंड देन डिलीट कौन हुआ, 99।
ऑफ कोर्स इस केस में मेरा फ्रंट भी यहां से सर्कुलर ऑर्डर मूव करेगा, अब वो 100 को पॉइंट करेगा, मतलब कि एलिमेंट नंबर 0 को, यहां पे फ्रंट इक्वल टू 0 और ये अभी भी कितने पे है, 2 पे। ओके, देन यहां पे हम लोग ने डिलीट डेटा फ्रॉम द क्यू, अब हम डिलीट करेंगे तो ऑफ कोर्स 100 डिलीट होगा, ऑफ कोर्स 100 डिलीट हुआ, देन फ्रंट अब किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को, ये किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर कीजिए, जरूर सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम बहुत अच्छे तरीका से कोर्सेज के सर्कुलर क्यू को आपको समझाने का, अगर कोई दिक्कत होता है व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कर सकते हैं मुझे, और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, शेयर करें वीडियो को, थैंक यू।